अस्सलाम वालेकुम, ये आपके सामने है फास्टर वालों का पावर बैंक और ये है जी 10,000 एम्पीयर का और ये कार्ड साइज़ है, बिल्कुल छोटे साइज़ का ये पावर बैंक है। और इसमें जो न्यू टेक्नोलॉजी है ना बैटरीज़ की, लिथियम टेक्नोलॉजी वो इसमें यूज़ की गई है। और लिथियम टेक्नोलॉजी जो बैटरीज़ की है वो साइज़ में छोटी होती हैं लेकिन उनकी पावर ज़्यादा होती है, तो इसमें वही टेक्नोलॉजी यूज़ की। अगर आपने पावर बैंक लेना है तो आपने लिथियम टेक्नोलॉजी वाला पावर बैंक ही लेना है क्योंकि उसकी जो बैटरी बैकअप होगा वो ज़्यादा होगा। इस तरह आम जो होते हैं ना पावर बैंक बड़े बड़े साइज़ के होते हैं लेकिन उनकी पावर बिल्कुल नहीं होती। लिखा उन पर 20,000 एम्पीयर लिखा होता है लेकिन उसमें 5,000 एम्पीयर की पावर भी नहीं होती, वो सिर्फ साइज़ में बड़े होते हैं। ये जो लिथियम टेक्नोलॉजी है इन बैटरीज की जो साइज़ है वो बहुत छोटा होता है लेकिन पावर ये अच्छी देती हैं। ये आपके सामने है फास्टर वालों का पावर बैंक और ये है जी 10,000 एम्पीयर का और ये कार्ड साइज़ है, बिल्कुल छोटे साइज़ का ये पावर बैंक है। और इस पे जितने एम्पीयर लिखे हुए हैं इसमें इतनी ही बैटरीज हैं। और जो ये मोबाइल को आपका, अगर मोबाइल जो है वो 3,000 एम्पीयर बैटरी वाला है तो वो 3 दफ़ा चार्ज करेगा और अगर 5,000 एम्पीयर वाला तो वो 2 दफ़ा, 1,000 वाला तो 6-7 दफ़ा इसको इजीली वो चार्ज कर देगा। तो अगर आपने लेना है तो आप यही फास्टर वालों का W10 मॉडल है इसका पावर बैंक, यही ख़रीदें। तो मैंने जल्दी जल्दी इसकी जो है अनबॉक्सिंग कर दी है ताकि जिसने अगर लेना है उसको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कैसा है, किस तरह का दिखता है, कौन से USB पोर्ट्स हैं इसमें। ये देख लें, आप रीड कर लें। तो इसको ओपन करते हैं जी। तो ये फर्स्ट पे है हमारा पावर बैंक, फास्टर वालों की ब्रांडिंग हुई है ऊपर, इसको कर लेते हैं जी ओपन। साथ इसके एक चार्जिंग केबल है इसकी, माइक्रो USB केबल। बिल्कुल छोटे साइज में है, देख सकते हैं आप वीडियो में। दो इसकी USB पोर्ट्स हैं, यूजर मैनुअल, गारंटी कार्ड इसका। इसके अलावा इसके बॉक्स में कुछ भी नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।